प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन, मैं तो अदरा हम सबके बिन। वेलकम टू सत्या भैरवी चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरवी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इस पिक्चर का नाम है बाईपास रोड। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर हाल ही में रिलीज हुई है। बाकी पिक्चर का नाम बाईपास रोड क्यों रखा है आज तक मेरे को भी समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो मुझे जरूर मेरे चैनल के कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि बाईपास रोड नाम क्यों रखा है। बाईपास रोड, बाईपास रोड का मतलब क्या होता है? दो रोड अच्छा ज्वाइंट होता है, या तो अगर आप किसी एक रोड से जाते हैं और उस रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं उसे बाईपास रोड कहते हैं। तो इस पिक्चर का नाम बाईपास रोड नाम रखने को मेरे को कुछ खास नहीं लगा। दरअसल इस पिक्चर की स्टोरी जो लिखी है, लेखक है हमारे हीरो ही है नील नितिन मुकेश, जो इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं। वो दरअसल एक फैशन डिजाइनर होते हैं, काफी फेमस फैशन डिजाइनर होते हैं, और उन्हें एक फैशन शो में जो रैंप वॉक करने वाली एक मॉडल के साथ उनसे प्यार हो जाता है, जो उनका नाम है शमा सिकंदर। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ उनसे प्यार हो जाता है और उनसे शादी भी हो जाती है और उनको एक बेटी भी होती है। फिर अचानक एक हादसा होता है जिसमें उसमें शमा सिकंदर मर जाती है। उसके बाद अपने हीरो के साथ एक हादसा होता है, कार एक्सीडेंट, जिसमें उनका पांव चले जाता है। और हमारे हीरो जो एक अमीर बाप के जो बेटे होते हैं, जो रजित कपूर जो है, इसमें उनके बाप के रोल कर रहे हैं। और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, और साउंड बैकग्राउंड साउंड काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन तो काफी अच्छा, सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छा है। पर अचानक एक एक करके सस्पेंस आने रखते हैं। आधे पिक्चर के फर्स्ट हाफ में तो ऐसा ही है, उसके बाद पिक्चर थोड़ा कुछ अच्छा है। इस पिक्चर में जैसे इनके सपोर्टिंग रोल किए हैं जो है अदा शर्मा, एक सपोर्टिंग रोल की जगह, यानी सेकेंड हीरोइन में कह सकते हैं, जो हीरो पे फिदा होते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। और गुल पंग जो है सपोर्टिंग एक्टर, जिसमें उनके बाप की सेकेंड वाइफ की तरह एक रोल निभाते हैं, वो भी एक सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह। ठीक है, सब ने अपना किरदार अच्छा निभाया है, अपने भी एक्टिंग सब लोगों ने अपनी तरफ से प्रेजेंट किया है। जैसे सुधांशु पांडे एक सपोर्टिंग एक्टर है, और भावना राव एक सपोर्टिंग एक्टर्स है, काफी अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स है। इन्होंने अपना किरदार काफी अच्छी तरह निभाया है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन करने की पूरी कोशिश की गई है। पर इस पिक्चर में क्या है कि दरअसल स्टोरी के नाम से ऐसा कुछ है नहीं। जो एक पुलिस होता है जो हीरो पे शक करता है कि उन्होंने कातिल, वही असली कातिल है, अपनी बीवी को कत्ल किए हैं, और इस तरह है, एक दूसरे पे शक जाता रहता है। और एक सस्पेंस होता है कि कातिल होता है जो चेहरे पे काले रंग का मास्क पहना रहता है और हीरो की जान लेने लगा रहता है, और सेकेंड हीरोइन की भी जान लेने में लगा रहता है। बस इसी तरह सस्पेंस एक के बाद एक बार आता है और ऐसा चलता रहता है। फर्स्ट हाफ में तो ऐसे चलता है, सेकेंड हाफ में ही थोड़ा कुछ अलग दिखता है, फिर थोड़ा सस्पेंस खुलता है, इस तरह चलता रहता है। पिक्चर ऐसा कुछ खास नहीं है। और हमारे हीरो जो है पहले एक पिक्चर में अपन काफी अच्छा नाम बना चुके हैं, जॉनी गद्दार है। इस पिक्चर के बाद तो इन्होंने अभी थोड़ा कुछ पिक्चर में जैसे विलन के रोल के एक सपने एक्टर्स के रोल किए हैं, काफी अच्छा एक्टिंग की है। इस पिक्चर में की कहानी इन्होंने खुद लिखा है और उनके भाई ने इस पिक्चर को डायरेक्ट किए हैं। बाकी ठीक है, पिक्चर आप एक बार देख सकते हैं। अगर आप सस्पेंस पिक्चर देखना पसंद करते हैं तो फिर ये पिक्चर आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आप बस आप एक एंटरटेनमेंट के तौर में आप जाना पसंद करेंगे, एंटरटेनमेंट के तौर से आप खुद को माइंड फ्रेश करने के लिए पसंद करेंगे, तो फिर पिक्चर में कुछ खास नहीं आपके लिए। और पिक्चर आप एक बार देख सकते हैं, बस पिक्चर में ऐसा कुछ दम नहीं है। ठीक है, देख सकते हैं, इतना मैं कहूँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे ये वीडियो को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल सत्या भाई रिव्यू चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगले जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो टू ब्रो आपको खबर होता रहेगा और आप हर तरह की जानकारी पा सकेंगे। टिल देन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।